हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका और आज की नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 मस्ट हैव्स फॉर समर सीजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो छोटा सा बेल आइकन आ रहा है उसको भी हिट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समर्स का सबसे पहला मस्ट हैव प्रोडक्ट होना चाहिए सनस्क्रीन। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है मार्च के मंथ में ही गर्मियां बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सोचो अप्रैल और मई के महीने में तो पता नहीं गर्मियों का क्या हाल होगा। तो जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, गर्मियां बढ़ रही हैं, तो साथ ही साथ वो लेकर आ रही है सन टैन और सन बर्न। तो उससे बचने के लिए हमारे को लगाना चाहिए सनस्क्रीन। आप अपना अच्छे से अपना स्किन केयर कर लो, जो भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो समर्स के अंदर वो कर लो, और आपको जो चीज नहीं भूलनी होती है वो है सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको दो सनस्क्रीन रिकमेंड कर रही हूँ, एक है न्यूट्रीजिना की सनस्क्रीन और एक है गुड वाइब्स की सनस्क्रीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक एसपीएफ 50 प्लस विद हेलीप्लॉक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए यूवीबी पीए प्लस प्लस अल्ट्रा लाइट क्लीन फील्ड वाटर रेजिस्टेंट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये वाली न्यूट्रीजिना वाली सनस्क्रीन, और इसका टेक्सचर काफी ही अच्छा है। ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट आपको नहीं देती है, आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है, एकदम ड्राई टच फील कराती है, और ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से सनरेज से प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन मेरे पास है गुड वाइब्स की सनस्क्रीन वाइट स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन एसपीएफ 50 यूवीबी पीए प्लस 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 यूवीए विद गुडनेस ऑफ एलोवेरा ग्रीन टी कुकुम्बर एंड जोजोबा। इस सनस्क्रीन के अंदर आपको मोस्ट पावरफुल सन ब्लॉकिंग एजेंट्स मिलते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती है, और ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि इसके अंदर स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स हैं। इसका टेक्सचर भी काफी लाइट वेट है, ये आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं कराती, बट ये थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ती है, बिल्कुल थोड़ा सा व्हाइट कास्ट इसके अंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को इन दोनों सनस्क्रीन के बारे में बता दिया है, देन इट इज योर कॉल कि आप लोगों को कौन सी वाली परचेज करनी है। समर सीजन में हमारी सेकेंड प्रॉब्लम आती है जो होता है बैड ऑर्डर, जो कि हमारे गर्मी से पसीने की वजह से हमारी बॉडी में से बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसके लिए आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है लेया वाटरगर्ल का एम्बर किस फ्रेग्रेंट बॉडी स्प्लैश, काफी अच्छा है ये। यहाँ पे इसकी छोटी वाली पैकेजिंग है, आप इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग भी परचेज कर सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस ना इतनी स्ट्रांग है ना इतनी लाइट है, काफी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। सो मैं इसको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर ट्राई करें। इसके अंदर इसकी काफी सारी फ्रेग्रेंस आती है, एक इसकी ब्राउन वाली फ्रेग्रेंस भी आती है, वो भी काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो आप दोनों में से कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं। सो समर्स में हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो होती है हमारे अंडरआर्म्स के अंदर प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाते हैं, और आपके जो अंडरआर्म्स वाला एरिया होता है, जो भी आपने कपड़े पहने होते हैं टॉप वगैरह, वो उसके ऊपर अपना स्वेट का सारा स्टेन दे देते हैं, जो कि विजिबल होने लगता है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अंडरआर्म रोलन। मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ, ये है निविया का डिओड्रेंट रोल ऑन व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन 48 आवर प्रोटेक्शन 0% एल्कोहल इवन टोन्ड अंडरआर्म एंड मुलेट्री एक्सट्रैक्ट के साथ ही आप लोगों को मिल जाता है। ये इसकी 50 ml वाली क्वांटिटी है, एक इससे छोटी वाली क्वांटिटी भी आती है, वो मैंने शायद मेरे पिछले हॉल वाले वीडियो में दिखाई थी इसकी छोटी वाली पैकेजिंग। आपको अगर ट्राई करना है, आपने इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, तो आप इसकी पहले स्टार्टिंग में छोटी वाली पैकेजिंग ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये काफी अच्छा लगता है, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे काफी पसंद है, और ये काफी अच्छे से अपना काम भी करता है। 48 आवर तक हमारे को प्रोटेक्शन भी देता है ये अंडरआर्म्स के अंदर, आपके अंडरआर्म बिल्कुल स्मूथ और इवन टोन्ड भी रहते हैं। फोर्थ मस्ट हैव प्रोडक्ट है वो है गार्नियर का माइसलर क्लेंजिंग वाटर। ये प्रोडक्ट मस्ट हैव क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पूरे दिन हम लोग बाहर रहते हैं, गर्मियों में स्वेटिंग होती है हमारे फेस के ऊपर, हमने सनस्क्रीन अप्लाई करी हुई होती है, हमने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हुए होते हैं, तो हम उनको अपने स्किन के अंदर छोड़ नहीं सकते, उनको हमें रिमूव भी करना होता है। चाहे आपने मेकअप किया हो चाहे आपने मेकअप नहीं किया हो, आपको डबल क्लेंजिंग मेथड जरूर यूज करना चाहिए। तो सनस्क्रीन आप पूरे टाइम तक अपने फेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकती है, तो इसलिए हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जब भी आप अपना नाइट टाइम रूटीन करें उसके अंदर आपको डबल क्लेंजिंग मेथड जरूर यूज करना चाहिए। सबसे पहले आप एक मेकअप रिमूवर से अपना फेस को अच्छे से क्लीन कर ले, अगर आपने मेकअप नहीं किया तो भी आपको डबल क्लेंजिंग मेथड यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यही करती हूँ, मैं अपना पहले रात के टाइम पे मैं इसको कॉटन पैड्स पे लेके अपना फेस पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद एक माइल्ड से फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, देन मैं अपना नाइट टाइम रूटीन जो भी स्किन केयर रूटीन होता है वो फॉलो करती हूँ। क्लींजिंग मेथड से आपके स्किन जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन रहती है, डल ड्राई नहीं पड़ती, आपके स्किन के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती, पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी आप अपनी स्किन को रखोगे, जितना साफ अपनी स्किन को रखोगे वो उतना ज्यादा ग्लो करेगी, इसलिए मैं डबल क्लींजिंग मेथड जरूर यूज करती हूं। काफी अफोर्डेबल आप लोगों को मिल जाता था इसलिए मुझे काफी पसंद है, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर एक और वेरियंट आता है जिसके अंदर ऑयल बेस्ड होता है, जो
वो भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी आप यूज कर सकते हैं। जो ये वाला पिंक वाला जो वेरिएंट है इसको इवन सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं, ये उनको भी अच्छे से सूट हो जाता है। समर्स का फिफ्थ मस्ट हैव प्रोडक्ट है एक लिप बाम। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन के लिप बाम लिए, ये एकदम गेम चेंजर लिप बाम है। मेरे लिप्स चैप्ड रहते हैं, डल रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं और ये है मेरे लिए गेम चेंजिंग प्रोडक्ट का काम कर चुकी है। ब्लू हेवन की लिप बाम जो है ये आपके लिप्स को काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देती है, आपके लिप्स को काफी सूद और इवन टोन्ड कर देती है और चैप्ड लिप्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इसको रेगुलर अप्लाई करने से, और आपके जो लिप्स है वो डल ड्राई बिल्कुल नहीं रहते। समर सीजन में भी एक लिप बाम को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समर्स में लिप्स के लिए ये होती है कि अगर आप बाहर जाते हो और आपने लिप बाम नहीं अप्लाई किया है, अपने लिप्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो वो भी सनरेज से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मस्ट है कि आप एक लिप बाम भी जरूर अप्लाई करें अपने लिप्स के ऊपर, और लिप्स के ऊपर सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी होती है। तो यही थे फाइव मस्ट है प्रोडक्ट, और इन फाइव मस्ट है प्रोडक्ट के अलावा जो आपको करना है वो है आपका वाटर इनटेक इंक्रीज करना। जितना भी आप वाटर इनटेक करते हो अपने फुल डे के अंदर आपको उसे इंक्रीज करना है। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, डिटॉक्स रहेगी, उतनी ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स भी कम होगी, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी आपके स्किन में कम होगी। तो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो आपको वाटर इनटेक बहुत ज्यादा रखना है अपना। आपको कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीना है, कम से कम 1-1.5 लीटर आपको पानी इनटेक करना ही है पूरे दिन। साथ ही साथ आप लोगों को अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। डाइट के अंदर आप फ्रूट वगैरह ले सकते हो, वेजिटेबल ले सकते हो। समर्स के अंदर जंक फूड को जितना अवॉइड करो उतना अच्छा, नहीं तो आपके फेस के ऊपर उतने ही छोटे छोटे जंक फूड्स मतलब पिंपल स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होना। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज अगर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अपनी लाइफ के अपडेट्स देती रहती हूँ। तो चलिए गाइज मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।